हेलो फ्रेंड्स, संगीता किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बनाएंगे पनीर चिली। इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, छोटी चम्मच ली है मैंने, और दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसे हम मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा कॉर्नफ्लोर में मिक्स हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। पनीर हमारा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। एक एक पनीर हम ऑयल में डालेंगे। पनीर हमारा फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। इसी पैन में हम दो चम्मच ऑयल डालेंगे। इसी में हम बारीक कट किया हुआ लहसुन और बारीक कट किया हुआ अदरक और हरी मिर्च, ये मैंने तीखी वाली हरी मिर्च एक ली है, वो डालेंगे और इसे 2 मिनट भूनेंगे। लहसुन और अदरक हमारा भुन गया है। अब हमने यहाँ पे शिमला मिर्च और एक प्याज इस तरह से हमने कट कर लिया है, ये डालेंगे और इसे भी हम 2 मिनट भूनेंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना प्याज और शिमला मिर्च को, बस 2 मिनट ही भूनना है। और मैंने यहाँ एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल रेडी कर लूँगी। इसमें हम थोड़ा सा रेड चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस, एक चम्मच इतना हमने रेड चिली सॉस 2 चम्मच इतना लिया है, और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। और 1 चम्मच टमाटर सॉस, सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। मुझे सोया सॉस थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 1/2 चम्मच जितना और डाल रही हूँ। अब हम थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे, और हमने जो कॉर्नफ्लोर वाला घोल करके रखा है वो डालेंगे। इससे हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी। ग्रेवी हमारी उबल गई है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे और इसे 2 मिनट चलाएंगे, और हमारी पनीर चिली रेडी है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे। रेडी है पनीर चिली, जो बनाने में बहुत इजी है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।